सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज में मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपसे बात करेंगे पॉली मार्केट के बारे में। पॉली मार्केट के हवाले से पहले भी हमने आपको बताया था और गैम्बलिंग मार्केट के बारे में बात की थी। असल में US इलेक्शन के स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि अक्सर लोग अपना कई सालों से जमा किया हुआ पैसा भी उस पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पॉली मार्केट इसी किस्म की एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्रिप्टो के थ्रू जो है वो बेटिंग करते हैं ऑन चांसेस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। अब इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है US इलेक्शन, तो सबसे बड़ी बेट्स भी उसी पर की जा रही हैं। और व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट पॉली मार्केट, हम नाज़रीन को बताएंगे कि किस तरह वो एक हेवीली इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय नन अदर देन इलॉन मस्क। एग्जैक्टली, आपको ये बताएं कि जो डिफरेंट पोलिंग्स और सर्वेज हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, सबसे मुख्तलिफ जिसका रिजल्ट है वो है पॉली मार्केट का। इन मोस्ट पोल्स कमाला और ट्रंप दोनों नेक टू नेक हैं, दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट 50 के अराउंड रोटेट कर रही है और उसी के अराउंड होती है। लेकिन पॉली मार्केट में 65% चांसेस नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, और ये हुआ इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते मेजर ट्रांजैक्शंस की गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बिड को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है। इन मेजर ट्रांजैक्शंस के अंदर एक बहुत क्लियर ट्रेंड नज़र आता है और वो ट्रेंड ये है कि ये चारों ट्रांजैक्शंस, चारों बेट्स एक ही अकाउंट से प्लेस की गई हैं और इन टोटल दे आर वर्थ $43 million, विच इज़ अ ह्यूज सम। तो मोइज़, हमने और मतलब आप देखें चार डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है बट अकाउंट होल्डिंग इलॉन मस्क की है। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट, $43 million एक्चुअली मोस्टली स्पेकुलेशन, क्योंकि इलॉन मस्क ने जस्ट एक दिन पहले बिफोर दिस वेंट अप टू $43 million, इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था और कहा था कि पॉली मार्केट के सर्वे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हैं और सब तमाम वोटर्स पॉली मार्केट के सर्विस को देखें। लेकिन कोई क्लियर उन्होंने ऑल्दो एडमिट नहीं किया है, बट इट्स वेरी क्लियर फॉर इट इज वेरी क्लियर कि उसके अंदर वो इन्वेस्टेड हैं और काफ़ी आई थिंक ही इज़ लॉन्ग इन्वेस्टेड इनटू इट। और इसका जो सबसे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो इस हवाले से इसको देख रहे हैं कि अमरीका में एक बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की है जो कि देयर ऑन द फेंस एक्चुअली, एग्जैक्टली, एंड उनका जो बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है वो स्विंग स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड दिस इज देयर इज अ रीज़न व्हाई दे आर कॉल्ड स्विंग स्टेट्स। तो इसका असर उन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा बिकॉज यू सी यू कैन कॉल इट अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ गेटिंग वोट्स, जिस हवाले से पॉली मार्केट की रिपोर्टिंग आ रही है। एंड चूँकि नाज़रीन मुझे अभी आपको बताया कि अमेरिका में वोटिंग जो है वो स्विंग स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, सारी अटेंशन उसके ऊपर होती है, तो यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि अब कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की जो कैंपेन स्ट्रैटेजीज हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। शुरू में दोनों ही तमाम वोटर्स से अपील कर रहे थे और अब दोनों ने एक स्पेसिफिक ग्रुप को पकड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा है अपने सबसे फियर्स सपोर्टर्स को, सपोर्टर्स के लिए वो कॉन्स्टेंटली बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस और स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं, जिनमें से एक रिसेंटली अभी सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि काश मेरी जो आवाम है और मेरे सपोर्टर्स हैं वो मुझे उसी तरह सपोर्ट करते जिस तरह जो है वो जर्मन जनरल्स ने हिटलर को किया था। बिल्कुल, अच्छा इससे क्योंकि असर इसे एक कहीं ना कहीं ट्रेंड ज़रूर नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज़्यादा केटर कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक वो उनके कदम बहुत मजबूती से जमे इसमें इस वक्त जो अमेरिकी सियासी मंजरनामा है। अब आप देखें ना, जो हिस्पैनिक कम्युनिटी, जो लैटिन अमेरिकन कम्युनिटीज़ का भी सर्वे आया है, वहाँ पे सरप्राइजिंगली डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि ये वही कम्युनिटी है जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना चाहते थे। तो अब जब वो उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि वो वोटिंग ग्रुप्स जहाँ पे उनको शुरू में, चाहे वो ब्लैक अमेरिकन्स हों, इवन जैसे कल हमने अरब अमेरिकन्स के बारे में नाज़रीन को बताया और अब हमने ये लैटिन अमेरिकन्स के बारे में बताया, वो ग्रुप्स डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नाउ ही इज़ एक्चुअली गॉन टूवर्ड्स हिज कोर वोटर बेस। और वही
कमला हैरिस काफी डिफेंसिव नजर आ रही हैं और आई थिंक उनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा इलेक्शंस में मेरे ओपिनियन में। और इस वक्त वो अपील कर रही हैं अरब अमेरिकन से, हिस्पैनिक वोटर से, तमाम वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जिनकी रिप्रेजेंटेशन कमाला की जिम्मेदारी है वो कॉन्स्टेंटली फेल होती रही हैं। तो इसमें नाज़रीन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त हवाई, मिजूरी, यूटा और विस्कॉन्सिन में बैलेट्स कास्ट हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन ये सारे बैलेट्स कास्ट हो चुके थे और पाकिस्तानी या इंडियन इलेक्शंस के बरक्स अमेरिकन इलेक्शन में कैंपेन रुकती नहीं है और कैंपेन एटलीस्ट 36 आवर्स पहले या 24 आवर्स पहले कई ऐसे इलेक्शन होते हैं जहाँ रुक जाती है, लेकिन अमेरिकन इलेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अभी तक कैंपेन्स भी जारी हैं और वोटिंग भी साइमल्टेनियसली हो रही है। तो मुइज़ व्हाट डू यू से कि इसके ऊपर आपका क्या जो है वो ओपिनियन है कि दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, हाउ वुड दैट अफेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इलेक्शन कैंपेन ही एक जमहूरी मुआशरे की अक्कासी करता है। जितनी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन होती है उससे पता चलता है वहाँ जमहूरियत कितनी मजबूत है। और लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो हालात इस वक्त हैं मेरे ख्याल में अगर हम पार्टी वाइज पॉलिसी देखें तो जो विद द वोटिंग टेकिंग प्लेस एंड द काइंड ऑफ कैंपेनिंग दैट इज़ गोइंग अहेड मेरे ख्याल में इसका पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा इन द सेंस इस लिहाज से कि ओबामा ने और बड़े बड़े जो है उन्होंने बिल्कुल मतलब आप देखें ना बिल क्लिंटन अभी तो कह रहे हैं एमिनेम भी exactly, एमिनेम ने डिट्रॉइट में एक बहुत ही बड़ी रैली में ओबामा के लिए स्टेज ओपन किया। इसी के साथ साथ ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो कि एक बहुत ही फेमस गुलकार हैं अमेरिका के, उनको दो कॉन्सर्ट्स वो हेडलाइन कर रहे हैं कमला हैरिस के लिए। तो जहाँ डोनाल्ड ट्रंप हमें अपनी ही बेस के अंदर कंफर्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, कमाला हमें बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रही है डिस्पाइट अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग एंड ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ हर कंपैटियट्स। इनफैक्ट रिपब्लिकन्स तो इल्जाम भी लगा रहे हैं और जो कुछ फैक्ट्स नंबर्स आए हैं कि जो डेमोक्रेट्स की स्पेंडिंग ऑन अ वोटर एज कम्पेयर टू रिपब्लिकन्स का जो रेशो है दैट इज 3:1 मतलब तीन गुना ज्यादा स्पेंडिंग डेमोक्रेट्स करें रिपब्लिकन्स के मुकाबले में। एग्जैक्टली और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक के मुकाबले में कमाला हैरिस ने पहले 3 महीनों में ही अपनी कैंपेन में इतनी फाइनेंसिंग जमा कर ली थी कि जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2024 से नहीं की है। बिल्कुल तो कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट द डेमोक्रेट्स हैव एंड द वे दे आर स्पेंडिंग इट, इट सीम्स लाइक कि वो काफ़ी डेस्परेट हैं फॉर अटेंशन। अच्छा आपने जो है बिल्कुल अटेंशन की डेस्परेशन की बात की और जो जिस तरह कमला सफ़र करी है, जो ग्रीन पार्टी है अमरीका में जो थर्ड फोर्स है लेड बाई जिल स्टेन, आपके मुताबिक वो क्या रोल इस इलेक्शन में पैदा जो है प्ले कर सकती है? एक्चुअली मुझे सो फार जिल स्टाइन का रोल यही था कि वो कमाला की वोटर बेस को अफेक्ट कर रही थी, जिन चीज़ों के लिए, जिन वैल्यूज़ के लिए जिल स्टाइन खड़ी होती हैं, एडवोकेट करती हैं, वन ऑफ विच इज़ एंडिंग द वॉर इन गाज़ा। तो ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो डेमोक्रेटिक वोटर्स एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इन दिस केस हम देख रहे हैं कमाला हैरिस मिजरेबली फेल कर रही हैं अपनी ऑडियंस को, अपने वोटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जिल स्टाइन अपीयर्स टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर अरब अमेरिकन वोटर्स और उनमें काफ़ी जिल स्टाइन पॉपुलर भी हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की वोटिंग बेस में से भी कई वोटर्स हैं जो जिल स्टाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली नामुमकिन है कि जिल स्टाइन जीत जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन जिल स्टाइन ने दोनों डोनाल्ड ट्रंप और कमाला दोनों की कैंपेन्स को बहुत ज्यादा शी कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ पार्टी स्पॉइलर ना कि वो कहती है ना आई थिंक शी इज ऑलरेडी स्पॉइल्ड द पार्टी। वो एक पंजाबी का मुहावरा ना खुद खेडेंगे ना खेडन देंगे, तो वो कमला हैरिस के साथ मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्ट डेमोक्रेट्स पे जरूर वो जा सकता है। और सबसे बड़ी चोट जो इस वक्त लगी है डोनाल्ड ट्रंप को रिसेंटली वो लगी है जॉन केली की तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ भी थे और हुकूमत में उनके साथ रह चुके हैं, मरीन जनरल हैं और प्रेसिडेंशियल एड रह चुके हैं 2017 से 19 के बीच में। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप एक फैशिस्ट डिक्टेटर हैं। तो ये बहुत ही डैमिंग बात है कि आपका अपना चीफ ऑफ स्टाफ वो आपको एक फैशिस्ट डिक्टेटर की तरह कैटेगराइज कर रहा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू लीड टू एनी कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेट्स, क्योंकि देखें जहां कमला को उनकी पूरी टीम की सपोर्ट है वहां डोनाल्ड ट्रंप को अपनी 2016 से 20 तक की कोर टीम जिसमें माइक पेंस उनके वाइस प्रेसिडेंट थे या जिसमें जॉन बोल्टन थे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या आपने जॉन केली की बात की, उनका साथ बल्कि नहीं उनकी प्रॉपर ऑपोजिशन का सामना है, उसके बावजूद ट्रंप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस वक्त जो इलेक्शन का जो मंजरनामा है। नाज़रीन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है रशियन इलेक्शन इंटरफेरेंस के बारे में, जिसका कई सालों से, कई सदियों से
जब से अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं जिक्र होता है हर साल, जब भी अमेरिकन इलेक्शन होते हैं रशियन इंटरफेरेंस का लाजमी जिक्र होता है, और इस साल भी काफ़ी जो है वो हमें बहुत ही वॉलेटाइल इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स पे रशियन टाइम्स, रोसिया सेगोदनिया जैसे बड़े बड़े रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले ही महीने सितंबर में टिकटॉक के कई अकाउंट्स रिमूव किए गए थे क्योंकि वो रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिकन इलेक्शन पर लेकर आ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि टेनेट मीडिया नाम के कंजर्वेटिव कंपनी ने $10 मिलियन दिए हैं रशियन गवर्नमेंट से जस्ट बिकॉज दे वांट डोनाल्ड ट्रंप टू विन। और इसलिए भी ये है नाज़रीन क्योंकि ट्रंप ने बहुत रिसेंटली पुटिन को स्मार्ट और जीनियस जैसे अलखाबात से नवाजा है। इवन जब ज़ेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पुटिन से अच्छे मरासिम रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने एक्चुअली व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू से, जहां पूरा अमरीका ज़ेलेंस्की की इतनी ज़्यादा सपोर्ट करता है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मुँह पे कहा कि इट टेक्स टू फॉर अ टैंगो, कि जहाँ रशिया जिम्मेदार है इस जंग का, यूक्रेन भी जिम्मेदार है। जो मामला डोनाल्ड ट्रंप की टीम के मेम्बर्स ने कई दफ़ा आके मीडिया में ये बयान दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कन्विंस करेंगे यूक्रेन को टू बैक आउट एंड टू एंड द वॉर। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रशियन इंटरफेरेंस डोनाल्ड ट्रंप के हक में हो रही है, इलॉन मस्क की इंटरफेरेंस डोनाल्ड ट्रंप के हक में हो रही है, और फिर भी जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा जाता है, बहुत ही साफ और शफाफ उनका निज़ाम इस तरह देखा जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये इंटरफेरेंस इस वक्त मौजूद है, और कमाला हैरिस जो है वो अपने सपोर्टर्स से अपील कर रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें डेवलपमेंट्स होती रहेंगी और हम आपको इन डेवलपमेंट से आगाह करते रहेंगे। यूएस इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम दिन रह गए। आप देखते हैं 5 नवंबर को किसका कुरा निकलता है जीत का, लेकिन हम तो आपको अपडेटेड रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज। नाज़रीन अब बात करेंगे ब्रिक्स समिट के बारे में। आज की सबसे अहम खबर ब्रिक्स समिट से आई है। चाइना, इंडिया और रशिया के रहनुमाओं ने गजा के में फौरन जंगबंदी का मुतालबा किया है। ब्रिक्स ग्रुप की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये अब दुनिया की 45% आबादी और 35% मईशत की नुमाइंदगी करता है। समिट के फाइनल कम्युनिके में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के मौजूद शामिल थे, लेकिन सबसे सख्त जबान मशरक़ वस्ता के लिए इस्तेमाल की गई है, जहां इसराइल के ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस पर हमलों की मजम्मत भी की गई है। ये बहुत हौसला अफजा अपडेट है, और हमने ब्रिक्स की कल भी नाज़रीन को बताया था। नाज़रीन दोबारा से आपको बताते हैं, ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसकी शुरुआत गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने 2001 में की थी, और उन्होंने उस पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की बढ़ती हुई मुआशी ताकत का तज़िया किया था। अब ये ग्रुप मज़ीद तौसी चाहता है, और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि 30 से ज़्यादा ममालिक ने उसमें शामिल होने की दिलचस्पी जाहिर की है। इस समिट में 20 से ज़्यादा रहनुमा शरीक हुए, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमीरात और ईरान के सुदूर भी शामिल थे। समिट में एक बहुत ही अहम मौजू एक नए पेमेंट सिस्टम का था। ब्रिक्स ममालिक एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो मगरबी निज़ाम से आज़ाद हो, US डॉलर से आज़ाद हो। कम्युनिके में कहा गया है कि ब्रिक्स क्लियर नाम के एक नए क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम की फीजिबिलिटी का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा मुकामी करेंसियों और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल पर भी गौर किया जाएगा। ये कदम ख़ास तौर पर रशिया के लिए बहुत ही अहम है, जो मगरबी पाबंदियों का सामना करता है, और एक इस तरह का पेमेंट सिस्टम अगर तश्कील पा जाता है तो तमाम US सैंक्शंस के अराउंड रशिया को सरकमवेंट करने का मौका भी मिलेगा। एंड इट आल्सो एक्चुअली हेल्प्स डेवलपिंग वर्ल्ड, जिनको जिनकी डॉलर्स की जो सप्लाई और डिमांड उसमें मसला आता है, स्पेशली हमारे जैसे ममालिक जो हमेशा डॉलर्स के लिए परेशान। बिल्कुल, अभी SCO में भी तो डॉलर से हट के पेमेंट सिस्टम पे के बात हुई थी, तो ये जो तरक्की पजीर ममालिक उनकी काफ़ी हेल्प करता है, और ये ऐलान अब इंक्रीजिंगली सामने आ रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ममालिक डॉलर के पेमेंट सिस्टम से हट के दूसरी करेंसीज पर जाएंगे, उन पर वो तकरीबन 100% टैक्सेस लगाएंगे, उन्होंने से कहा है।
नजीन, हम आपको यूक्रेन की जंग के हवाले से भी बताएं कि इसका समिट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन में अमन चाहते हैं। शी जिनपिंग ने भी रूसी सदर के साथ बंद कमरे में इस मौजू पर बात की। रूस अब यूक्रेन के पाँचवें हिस्से पर काबिज है, जिसमें क्रीमिया और डोंबास का 80% इलाका और ज़ापोरिज़्या और खेरसन के 70% इलाके शामिल हैं। चाइना और ब्राज़ील यूएन में जंग बंदी के लिए दूसरे ममालिक की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समिट का सबसे अहम वाक़या चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी था। मोदी और शी जिनपिंग ने 5 साल के बाद पहली बाज़ाब्ता मुलाकात की है। ये मुलाकात 2020 के सरहदी तनाज़े के बाद पहली मुलाकात है। नवंबर 2022 में G20 समिट में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तसर मुलाकात की, और अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट के मौके पर मिले। लेकिन इस मुलाकात के बारे में दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ बयानात जारी किए हैं। शी जिनपिंग ने सितंबर में न्यू दिल्ली में होने वाले G20 समिट में शिरकत भी नहीं की थी, लेकिन अब लगता है कि दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए संजीदा हैं। अब नाजीन, इससे पता लगता है कि ब्रिक्स की अहमियत इस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जब दुनिया में मगरबी ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। चाइना और रशिया मिलकर मगरबी जो इन्फ्लुएंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए पेमेंट सिस्टम की तजवीज़ भी इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन रूस पर जो आयत पाबंदियाँ हैं उनकी वजह से ये काम मुश्किल है। ताहम अगर ब्रिक्स अपने मकासद में कामयाब हो जाता है तो ये दुनिया की बढ़ती हुई मुआशी और सियासी सूरत हाल को बिल्कुल यकसर तब्दील कर सकता है। बिल्कुल, आई थिंक मोइज़ ये बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है, स्पेशली क्योंकि देखिए दुनिया की जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो इस वक्त इनसार करती है US डॉलर। बहुत ज़्यादा डॉलराइज्ड इकॉनमी है, बहुत ज़्यादा डॉलराइज्ड इकॉनमी। इनफैक्ट US डॉलर जिस मुल्क में ना हो वो डिफॉल्ट कर जाता है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का बेशतर पूरा, जैसे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देख लें, पाकिस्तान हो गया, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो जो डॉलराइज इकोनॉमी से वो डिसएडवांटेज्ड हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मैं कहता हूँ बहुत हौसला अफजा कदम है अगर इसकी जानिब जो है काम किया जाता है। ब्रेटन वुड्स अकॉर्ड्स की अग्रीमेंट हुई थी, जिनकी वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे तमाम इंस्टीट्यूशन तश्कील पाए, और वो कंटिन्यूसली मतलब डेकेड से अब दुनिया के तमाम ममालिक पर असरअंदाज कर रहे हैं, स्पेशली उनकी इकॉनमी के ऊपर। तो अब नज़र ये आ रहा है कि ब्रिक्स समिट, G20 और अब ये SCO समिट के बाद भी हमें ये नज़र आ रहा है कि चाइना और इंडिया अपने बीच में जो तमाम देयर लुकिंग टू गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू, एक हमने जैसे कल भी बोला था कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। और जो ब्रिक्स समिट की नज़र सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, हमने कल भी आपको बताया था कि ब्रिक्स में से हमेशा तामीरी बातें ही सामने आती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यूज़ ऑफ न्यू पेमेंट सिस्टम, उससे इस खत्ते की आवाम ही बेहतरी की जानब जाएंगी। एंड सबसे ज़्यादा इसमें जो है अमन की कोशिशों पे काम किया गया, स्पेशली आप चीन और हिंदुस्तान के दरमियान देख लें, या रूस या यूक्रेन के दरमियान, बिल्कुल। तो आप देखें इससे ये पता लगता है कि रशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी अमन पे जोर दिया गया, ना कि रूस को कहा गया कि आप यूक्रेन पे हावी रहें। और मोस्ट ऑफ ऑल जो मगरबी दुनिया से सबकी शिकायत है कि वो फलस्तीन के मामले पे बहुत, उनका जो इकदाम है वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। यहाँ पे बड़ा वाजे एक मौकफ आया है इज़राइल के हवाले से, व्हिच इज द नीड ऑफ द टाइम। एक तरह से देखा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पावर थी, जो एक ग्लोबल पुलिसमैन के तौर पे वो एक्ट करते थे, अमेरिकन पावर की बेसिकली कंप्लीट डिमिनिशिंग हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो ये एक रीजनल कोलिशन फॉर्म कर रही है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसमें कई रियासतें शामिल हैं, इन सब का म्यूचुअल कंसल्टेशन है, एक कोलैबोरेशन का एलिमेंट भी मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना भी अपने OBOR और CPEC जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू कई ममालिक के साथ एक तजारती और चाइना ने जो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, या वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या CPEC हो गया। सो आई थिंक ये जो खत्ता है अगर ये इसी तरह मिलकर काम करता रहा, वो दिन दूर नहीं है कि जब ये वाला जो रीजन है यूरोपीय यूनियन की तरह इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ चला जाए। एग्जैक्टली नाजीन, आज हमने जो डेवलपमेंट शेयर की है रिगार्डिंग ब्रिक्स, दैट इज आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट, और डेफिनेटली आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज द वे वी लुक एट द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, सो वी होप कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, क्योंकि इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा पूरे रीजन पर, पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर वाले दिन इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।